हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। आपको अपना चैनल अर्न क्रिप्टो। दोस्तों, आप लोग फिर से एक अपडेट है, बहुत अच्छी साइट फिर फिलहाल चल रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लेम भी मिल रही है, अर्निंग भी बहुत ज़्यादा दे रही है। तो फिलहाल मैं सोच आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ जाके फ्री का जो है ना अर्निंग ले सकते हो, और वो इंस्टेंट आपके फॉसेट पे वाली वॉलेट में मिल जाएगी। तो उसका किस तरह से करना वर्क मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग वहाँ जाके फ्री का अर्निंग भाई वहाँ से ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं साइड में, स्टेप बाई स्टेप आपको बताता हूँ कैसे आप वहाँ जाकर फ्री का अर्निंग ले सकते हो। चलने से पहले पहले जो फ्रेंड्स ने जहाँ चलो फर्स्ट विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जब इस तरह कोई साइड आएगी तो कोशिश करूँ अपने चैनल में देने के लिए, ताकि आप लोग फ्री अर्निंग वहाँ से ले चलते हैं साइड में, और लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। पहले मैं एक चीज़ दिखा जाऊँगा आप लोगों को। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर साइड है, मैंने अभी फर्स्ट उसमें एक ही क्लेम किया हूँ, और मुझे ये आज का देखो 7 जुलाई एक क्लेम है यहाँ पर, और ये मुझे टोन ही का साइड है, और मुझे इतना टोन अभी बस रिसीव हुआ। ठीक है, और ये उसका प्रूफ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखोगे ये मुझको फॉसेट पे में चला गया, इंस्टेंट पेमेंट हो रही है फिलहाल। तो यहाँ पर सिंपल सा एक साइड है, यहाँ पर सिंपल करना क्या होगा मैं बता दूँगा। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ इस साइड में ना लिंकिंग एड्रेस पे आप यहाँ पर ट्रॉन का एक रिसीविंग एड्रेस निकाल लेना, और उसको यहाँ से कॉपी कर लेना। ओके, कॉपी करने के बाद यहाँ पर चले जाओगे साइड में, जिस साइड में जाओगे तो देखो यहाँ पर बोला क्लेम बिटवीन 0 टू इतना एवरी मिनट, मतलब हर मिनट आपको इतना से इतना ये साइड पेमेंट कर रही है। तो आप यहाँ पर जाके ट्रॉन लूट सकते हो जितना चाहो उतना। सिंपल कर यार, नीचे यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर पहले दे देना, एड्रेस यहाँ जैसे मैं दिया हूँ एड्रेस दे देना, और नीचे आओगे तो यहाँ एक लॉगिन का ऑप्शन देता है, उसमें आप क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जैसे आप लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, तो देखो मैं क्लिक कर दिया लॉगिन वाला में, एक बार क्लिक करोगे तो आपसे दूसरा एड्स की पेज आ जाएगी, तो उस एड्स को पेज को आप लोग क्लोज कर देना। वो फिर दूसरा बार क्लिक करोगे तो आई एम नॉट ए रॉबोट वाला कैप्चा आ जाता है, तो उसको आप लोग यहाँ फटाफट क्लीन कर लेना। और क्लीन करने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर नीचे चले आना, देखो यहाँ पर वेरीफाई कैप्चा लिख के आ जाएगा। तो जैसे ही कैप्चा वेरीफाई होता है तो हम लोग यहाँ पर इसको और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर कैप्चा वेरीफाई हो गया, नीचे आएंगे और यहाँ पर वेरीफाई वाला ऑप्शन पे फिर से हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो देखो यहाँ पर फेल्ड भी लेके आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, दोबारा भी ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पर। यहाँ देख सकते हो गेट यहाँ रिस्पॉन्स भी आ गया, यहाँ से पेज को भी रिफ्रेश कर लेना आप लोग, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि क्या आपका यहाँ पर अपडेट है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर आपका कुछ नहीं बोला जा रहा, ऊपर देखो क्लीन आ गया। तो हम यहाँ पर नीचे फिर से स्पॉन्सर लिंक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ से एक शॉर्ट लिंक आ जाएगी, बहुत ईजी कर शॉर्ट लिंक है जो आपको बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ क्लिक कर दोगे तो एक पेज ओपन होगा इसका, और पेज को सिंपली आपको जिस तरह से करना हो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर पेज जो हमारा ओपन होगा, तो उसके बाद आपको और क्या आगे करना वो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखो पेज ओपन हो गया, यहाँ पर देखो लिखा हुआ लोडिंग लिंक प्लीज वेट, मतलब ये आपका लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पर सिंपल थोड़ा वेट करना आपको। यहाँ पे एक पेज वहाँ पर चलेगा ऊपर में, यहाँ पर लैंडिंग टाइप में चलेगी और ग्रीन टाइप का भर जाएगा, तब आप यहाँ पर दूसरा पेज में यहाँ पर फिर से आप जा सकते हो। ओके, तो सिंपल थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पर, तो टाइम का थोड़ा हम लोग वेट करेंगे। और उसके बाद जो है ना, यहाँ देखो यहाँ पर एक लाइनिंग आ गई ऊपर में, ये देख सकते हो, देखो इस तरह लाइनिंग देखो यहाँ भर रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख रहे हो गए यहाँ भर रही लाइन, लाइन जैसे कम्प्लीट हो जाएगी तो फिर यहाँ नीचे चले आना आप लोग। यहाँ पर नीचे चलाओगे, पूरा नीचे चलाओगे तो यहाँ पर एक कैप्चा दे रहा है, प्लीज़ द सॉल्व द मान मैथ प्रॉब्लम टू प्रोसेस। ठीक है, वेरीफाई कैप्चा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पर 4 स्टेप है, मतलब 4 स्टेप कर लोगे तो आपको जो है अर्निंग जिस तरह मिलने वाली है वो आपको यहाँ पर चली जाती है। सिंपल प्रोसेस है, हम बहुत ही आराम से कैप्चा कर लोगे, कोई ज़्यादा हैरी नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कर लेंगे क्या, यहाँ पर जैसे मैथ दिया हुआ ना, तो यहाँ पर सिंपल सा 3 + 4 आप यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर इस तरह से लिख देना आंसर, और यहाँ पर एक कैप्चा आएगा। ठीक है, इस कैप्चा का हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, कैप्चा आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप वाला ऑप्शन पे हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना होता है। तो दोस्तों जैसे तो यहाँ पर वेरीफाई आई है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करना, और यहाँ पर क्लिक फिर से यहाँ पर करना कट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से फिर से आप कर दोगे तो ये पेज फिर से यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर चला जाता है। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप यहाँ पर कर लेना, बहुत ही इजी कल है। और आराम से करने के बाद देखोगे तो यहाँ पर ओपन हो रहा है पेज दूसरा, और दूसरा पेज होने के बाद आप यहाँ से फिर ना आगे बढ़ सकते। इसी तरह सिंपली प्रोसेस है जो आपको करना होता है। और यहाँ से हम वेट कर ले थोड़ा सा, जब इस तरह प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप यहाँ पेज को वेरीफाई कर लेना और रिफ्रेश कर लेना पेज को। तो फिर यहाँ पर जब रिफ्रेश करोगे देखो इस तरह से आपको पेज यहाँ पर चलने लगेगा, और फिर से यहाँ पर उसी तरह जैसे सेम प्रोसेस जिस अभी मैंने बताया पहला स्टेप, उसी तरह से सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर देखो फिर से ये लोडिंग होगी,
तो यहाँ से करना होगा। तो यहाँ से मैंने अभी एक स्टेप को कंप्लीट कर लिया हूँ, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट इसी तरह से कर लेना आप लोग। तो हमने यहाँ से चार स्टेप कंप्लीट करता हूँ, लास्ट स्टेप में फिर मैं आप लोगों को जो है ना बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैंने दो स्टेप कंप्लीट कर दिया, लास्ट स्टेप बचा। तो यहाँ पर ग्रीन फिश भर रहा, नीचे चले जाओगे, यहाँ पर जैसे नीचे आओगे यहाँ पर आपको देखने को फिर से मिलता है ये कैप्चा, और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है जो भी है दो मैथ का, 3 + 8 कितना आंसर होगा यहाँ लिख देना, वेरीफाई कैप्चा ऑटोमेटिक यहाँ ले लेगा। 4 स्टेप 4 यहाँ पर फिर से क्लिक करोगे, यहाँ पर इसको भी क्लिक कट कर देना, एक बार कट कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपको फिर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखोगे फिर एक यहाँ पर एक कैप्चा आ गया, लास्ट कैप्चा है ये, यह यहाँ पर कुछ सेकंड्स चल रहा है वेरीफाई, और यहाँ पर गेट लिंक का ऑप्शन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे गेट लिंक ऑप्शन में, और यहाँ आप देखोगे कि आपका चला जाएगा IP चेंज अलाउ यूजिंग द IP एड्रेस के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं दूसरा नेट चला रहा हूँ इसलिए मुझे ये एड्रेस बोला जा रहा है, ऐसे आप लोग आप एक ही नेट पे चलाओगे तो ऐसा आपको वहाँ पर बोला नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यहाँ पर देखो फिर से ट्राई कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों देख सकते हो फिर से मैंने अपलोड कर दिया लिंक, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, फिर से देख सकते हो यहाँ पर मुझे रिसीव हो गया फ्री वाला। इसी तरह से आप अगर दूसरा इस्तेमाल कर अपना तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, करना कि किसी का वाईफाई इस्तेमाल नहीं करना, एक ही आईडी पे एक ही चलेगा। अगर दूसरा मोबाइल पे दूसरा आईडी पे चलाओगे उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि IP एड्रेस देख ही रखना। अब यहाँ मैं रिसीव हो चुका हूँ, हमको मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर दो पेमेंट यहाँ पर दिख रहा है ना, मैं यहाँ पेज पर रिफ्रेश करूँगा। अब यहाँ देख सकते मुझे यहाँ पर रिसीव हो चुका है, मैंने आपको देखा है यहाँ पर 9 8 5 है और यहाँ पर मुझे 9 8 5। ठीक है, इस तरह से फ्री का आप यहाँ पर जितना चार्ट फोन ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा, फटाफट जाकर स्टार्ट कर दो। और लिंक मिलता है फोन को नए शायर के साथ में। तो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।